अ वेरी वॉम वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन न्यूज इंग्लिश हिंदी। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हम आए कमाटीपुरा 13 लेन के पास, अली अकबर बिल्डिंग नंबर 19 में जबरदस्त आग लगी हुई है। आप देख सकते हो हमारे कैमरे में, और नागपाड़ा पुलिस का काफ़ी अच्छा काम रहा है। पूरी तरीके से उन्होंने बैरिकेड लगा के रास्ता बंद किया है। पब्लिक पैनिक बहुत ज़्यादा हो रही थी, इधर उधर भाग रही थी, तो पूरा रास्ता बंद किया उन्होंने। इसके अलावा देख सकते हो फायर ब्रिगेड आ गई है मौके पे, और कंटिन्यू उनकी कोशिश जारी है आग बुझाने की। ये देखो आप, ये बिल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा 2 बार सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी आग और बढ़ गई थी। मगर और फायर ब्रिगेड आई है, कम से कम 5 से 6 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँची, और काफ़ी स्थानीय लोग भी देख सकते हो आप लोग, काफ़ी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले को पाइप उठाने में, करने में। और काफ़ी सारे सोशल वर्कर भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि शिवसेना UBT के उपशाखा प्रमुख अनिल साहू, शिवसेना UBT माजी नगर से सुरेश काले, और NCP के मुंबई सचिव गोपाल परदेसी भी देखे जा सकते हैं। देखो और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे आती हुई देखी जा रही है कमाटीपुरा 13 लेन के बाद। ये सुरेश काले जी, माजी नगर सेवक, और कंटिन्यू चालू है आग बुझाने का काम। देख सकते हो आप फायर ब्रिगेड का बहुत ही ज़बरदस्त काम को अंजाम दिया जा रहा है फायर ब्रिगेड द्वारा। इसके अलावा पुलिस ने पूरी तरीके से चारों तरफ मतलब आने जाने का रास्ता बंद किया है कि कोई भी ऐसा हादसा नहीं हो जाए, कोई भी वो नहीं हो जाए। पूरी तरह से रास्ता बंद किया है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ मतलब कंट्रोल में है। और बाकी आप देख सकते हो कैमरे में, ठीक है। जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी।